माहौलियात की बेहतरी के लिए वज़ीर आज़म की काविशें तेज। 5 जून को आलमी माहौलियाती दिन की कॉन्फ्रेंस से पहले ग्रीन फाइनेंसिंग स्कीम का आगाज। वज़ीर आज़म इमरान खान की आवाम से 10 अरब शजरकारी मुहिम में आवाम से भरपूर हिस्सा लेने की अपील। कहा, हमने अल्लाह की दी हुई नेमतों की कदर नहीं की। कहा, जीने का गुर तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले बता गए थे। अगली दुनिया के लिए इस तरह जियो कि आपने कल मर जाना है, लेकिन इस दुनिया के लिए इस तरह जियो कि आपने 1000 साल जिंदा रहना। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 92 अफराद इंतकाल कर गए। मजमू अमवात 21,022 हो गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटे में 51,523 टेस्ट किए गए। 2,028 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मस्बत केसेस की शरह 3.93% रही। 18 साल से ज्यादा उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन आज से शुरू हो गई। हर सूरत में होंगे, ग्रेड्स कोई भी नहीं मिलेंगे इम्तिहान के बगैर। 9वीं 10वीं का इम्तिहान जो है वो 4 मज़ामीन में होगा। 11वीं 12वीं का जो इम्तिहान है वो सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में होगा। फैसले में कोई तब्दीली नहीं होगी। इम्तिहानात हर सूरत होंगे। वफाकी वज़ीरे तालीम शफकत महमूद का 2 टोक ऐलान। 9वीं और 10वीं के तलबा से 4 मज़ामीन का इम्तिहान लिया जाएगा। इंटर वालों को भी इख्तियारी मज़ामीन का पर्चा देना होगा। एग्जामिनर के लिए वैक्सीन भी लाजमी करार दे दी गई। जो सरकारी मुलाजिम वैक्सीन नहीं लगवाएगा उसकी जुलाई से तनख्वाह बंद हो जाएगी। वज़ीर आला सिंध का ऐलान। सूबाई टास्क फोर्स इजलास में मुराद अली शाह की सख्ती की हिदायत। पंजाब में भी तमाम सरकारी मुलाजमीन और उनकी फैमिलीज की वैक्सीनेशन लाजमी करार। तमाम इदारों को मरासला जारी। 30 जून तक वैक्सीन लगवाने की हिदायत। मईशत नहीं चल रही, मईशत के अंदर गिरावट आ गई है, मईशत के अंदर कनजुली आ गई है, मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है, मईशत कसारा है। मईशत की जो ग्रोथ है 3 तक भी नहीं पहुंचा है, इन्होंने 4 दिखाया नंबर। प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में तबाही का रोना, मगर अपनी कंपनी उगल रही है सोना। मिफ्ताह इस्माइल के हुकूमत पर कारोबार बर्बाद करने के इल्जाम, मगर अपनी कंपनी ने लीगी हुकूमत में सिर्फ 35 करोड़ और खान सरकार में रिकॉर्ड 1.5 अरब रुपये कमाए। मईशत खराब है तो आपका कारोबार कैसा चल रहा है? समा के सवाल पर मिफ्ताह इस्माइल बौखला गए। मरियम औरंगजेब भी बात बदलने की कोशिश करती रहीं। आपका भी शायद बिजनेस की मुझे से ताल्लुक है, तो कैरी लाइन की बॉटम लाइन भी बेहतर हुई है सुनने में। आप इसकी तस्दीक करिए कि कारोबार में फायदा हुआ या नुकसान हुआ, आप क्या समझते हैं आपके कारोबार में क्या हुआ? कैंडीलैंड का नफा या नुकसान बढ़ गया या नहीं, उसका इससे मुल्क की हालत से कोई ताल्लुक नहीं है मेरे भाई। तो मैं बता दूं, कर्जे लेने वाली PTI हुकूमत माशी महाज पर नाकाम हो चुकी। बिलावल भुट्टो की तनकीद। कहा, PTI के सनती तरक्की के दावे मजे का खेज हैं। पीपल्स पार्टी के दौर में आम आदमी की आमदनी में 69% इजाफा हुआ था। सिंध में सबसे ज्यादा फीकस आमदनी में इजाफा हुआ। PTI हुकूमत ने गंदम के रिकॉर्ड पैदावार का दावा किया और सिर्फ इस एक साल में आटा 28% महंगा हुआ। एक और जवान वतन पर कुर्बान। जनूबी वज़ीरिस्तान में चेक पोस्ट के करीब बारूदी सुरंग का धमाका। लांस नाइक वक्कास अहमद शहीद हो गए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोटली में फील्ड ट्रेनिंग एरिया का दौरा। मश्क तस्खीर जबल पर ब्रीफिंग दी गई। सिपा सालार ने हिस्सा लेने वाले जवानों की सलाहियतों की तारीफ और जंगी तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। कहा, जवानों की सख्त तरबियत और ऑपरेशनल मश्क के खतरे में मौसर जवाब देने के लिए ज़रूरी हैं। भारत को समझना चाहिए कि मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल दुरुस्त नहीं। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की नया दिन में गुफ्तगु। कहा, भारतीय वज़ीर आज़म को कश्मीर की बेहतरी के लिए पॉलिसी पर नज़रसानी करना होगी। बोले, पाकिस्तान को तिजारत का हब बनाने जा रहे हैं। खित्ते में बुनियादी अम के लिए पहली तवज्जो अफगानिस्तान है। जल्द चीन और अफगानिस्तान के वज़ीर खारजा से मीटिंग होगी। शाह महमूद कुरैशी का PSL करवाने के लिए UAE के वज़ीर खारजा से इजहार तशक्कुर। नाग में दम कर रखा है रोड पे तजावजात और ट्रैफिक के बेहंगम दबाव ने। दिन हो या रात, यहाँ हर वक्त ट्रैफिक जैम ही मिलेगा। इस्लामाबाद के इलाके भाराकहू में तजावजात और गैर कानूनी पार्किंग से हर वक्त ट्रैफिक जैम। इलाका मकीन परेशान, एम्बुलेंस फंस जाए तो मरीज की जान खतरे में पड़ जाती है।
कराची में क्लिफ्टन बिन कासिम पार्क के करीब क्रैकर हमले में सिक्योरिटी गार्ड जख्मी, मुकदमा क्लिफ्टन थाने में दर्ज। मोटरसाइकिल नामालूम मुलजिमान ने ज़ेर तामीर इमारत के दरवाजे पर दस्ती बम हमला किया, मज़ीद तफ्तीश जारी। कराची में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन इम्तिहान बन गया। न्यू कराची नाला स्टॉप पर ऑपरेशन आज फिर मौखर, गुज़िश्ता रोज भी अवामी रद्द अमल पर कार्रवाई रोकी गई, ऑपरेशन एक हफ्ते बाद होगा। कम उम्र तरीन नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफ़ज़ई बरतानवी फैशन मैगजीन वोक के सर वर्क पर आ गई। इंटरव्यू में कहा, पता नहीं लोग शादी क्यों करते हैं, किसी को जिंदगी में शामिल करना है तो इसके लिए कागजात पर दस्तखत क्यों जरूरी है, क्या ऐसे ही पार्टनर बनकर नहीं रह सकते। ये भी बताया कि वालदा इन ख्यालात पर नाराज होती हैं, कहती हैं शादी तो करना पड़ेगी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का 12 साल इक्तदार खत्म होने के करीब नई इत्तेहादी हुकूमत की तश्कील मुतवक्। अपोजिशन लीडर ने नाफ्ताली बेनेट को इसराइल का नया वज़ीर-ए-आज़म बनाने का ऐलान कर दिया, कहते हैं हुकूमत बनाने के लिए पार्लियामेंट में अक्सरियत हासिल हो गई। पहले गर्जे और फिर खूब बरसे, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, शकरगढ़, अटक, सियालकोट में बादलों के जोर ने गर्मी को पिछाड़ दिया। गुजरावाला में बारिश हुई और वजीराबाद में घरों की छतें गिर गईं। दो बच्चों समेत चार अफराद जख्मी। नथिया गली, अयूबिया में गरज चमक के साथ बारिश। ठिंडियानी में ओले पड़ गए।